हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 9 के लिए आज हम चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। देखिए, इन फिगर AD इज इक्वल टू AE एंड D एंड E आर पॉइंट्स ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू EC प्रूव दैट AB इज इक्वल टू AC। यहां देखिए फिगर बना हुआ है, एक ट्रायंगल ABC दिया गया है। इन फिगर ट्रायंगल ABC में AD इज इक्वल टू AE, AD AE क्या है, इक्वल है, एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन बीसी और डी और ई पॉइंट्स लिए गए किस पे, साइड बीसी पे, और किस तरह लिए गए, सच दैट बीडी इज इक्वल टू ईसी, कि बीडी और ईसी क्या है, इक्वल है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। चलिए तो सबसे पहले यहां पर देखिए जो गिवन है इन ट्रायंगल ए डी में, हम देख लेते हैं जैसे लिख लीजिए, यहां गिवन है देखिए ए डी इज इक्वल टू ए ई, AD इक्वल टू AE, ये साइड गिवन है ना, दिया गया AD इक्वल टू AE। जब अपोजिट साइड ट्रायंगल AD में देखिए, जब अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी होती है ना, इफ अपोजिट साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ADB इज इक्वल टू, हो जाएगा एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल AED, क्योंकि AD AE अपोजिट साइड इक्वल है ना, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल ADE ये वाला एंगल और एंगल AED ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, तो हो जाएगा। तो लिख दे रहे एंगल ADE इक्वल टू एंगल ADE इक्वल टू एंगल AED, AED प्रॉपर्टी भी कह दीजिए, लिख दिया जाए, लिख दे रहे चलिए अपोजिट साइड अपोजिट साइड आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। चलिए ठीक है, ये एंगल ए डी इज इक्वल टू एंगल एईडी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी कहती है। चलिए अब ये हो गया, इसके बाद देखिए एंगल ए डी, इस एंगल को हम लिख के आ सकते हैं, अगर ध्यान से देखिए तो यहां देखिए एंगल ए डी इस एंगल में और एंगल ए डी बी इस एंगल में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों लीनियर पेयर के एंगल्स है ना, यहां देखिए एक वर्टेक्स डी और एक रे ए डी क्या है, दोनों एंगल्स में कॉमन है, तो ये दोनों किसके एंगल हुए, लीनियर पेयर के एंगल हुए, तो लीनियर पेयर के एंगल्स का कितना होता है 180 डिग्री ना। तो यहां पर अगर हम लिखें एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल्स है तो दोनों का सम 180 होगा। अब यहां से एंगल हम ए डी ई की वैल्यू निकाले, अगर एंगल ए डी ई, एंगल ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए डी बी, होगा कि नहीं होगा, यानी हम एंगल ए डी ई को लिख सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी अगर लगाए इसमें, तो एंगल ए डी ई को लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए डी बी, है ना, तो हम लिख दे रहे हैं एंगल ए डी ई को क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए डी बी, 180 माइनस एंगल ए डी बी है ना, लिख सकते हैं इक्वल टू, ऐसे ही एंगल ए ई डी में देखिए एंगल ए ई डी ये है एंगल ए डी और उसके बाद एंगल ए ई सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, ये भी लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, क्योंकि वर्टेक्स ई और एक रे ए ई कॉमन है दोनों में ना, तो ये लीनियर पेयर के एंगल्स में, तो लीनियर पेयर के एंगल्स हैं, तो दोनों का सम यानी एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी इक्वल टू 180। तो अगर हम एंगल ए ई डी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए ई सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल AED को हम लिख सकते हैं एंगल, यहां पर देखिए एंगल AED इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल AEC, जैसे इसमें किया गया 180 माइनस एंगल AEC, इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल AEC है ना, लिख सकते हैं, यहां देखिए रफ्मी करके दिखाया। चलिए अब यहां देखिए 180 180 कैंसिल हो जाएगा, आएगा एंगल ADB, आएगा क्या एंगल ADD माइनस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू माइनस एंगल ए ई सी, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये आ गया ठीक, एंगल ए डी बी यानी ये वाला एंगल ए डी बी और एंगल ए ई सी ए, ये दोनों एंगल क्या आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, देखिए आपने ऊपर से दिखाया ए डी बी और ए ई सी, ये इक्वल आ गया। और आपको एक चीज दी गई है पहले से ऑलरेडी, तो यहाँ पे लिख लीजिए वो भी, ऑल्सो BD इज इक्वल टू CE, यहाँ दिया गया आपको देखिए कहीं दिया गया था ये BD इज इक्वल टू EC, इसको भी लिख लिया BD इज इक्वल टू EC, ये भी क्या है गिवन है, ये तो गिवन है, इसको हम लिख देंगे ये गिवन है। चलिए
अब इसके बाद ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए और ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों को कॉन्गेंट दिखाते हैं। तो लिख लेते हैं ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीई। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीई, चलिए एबीडी और एसीई ट्रायंगल में जब लेंगे हम, सबसे पहले हमें देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या सिमिलर, क्या कौन सी सिमिलरिटी मिल रही है आपको। सबसे पहले आप लिख सकते हैं एडी इक्वल टू एई, ये गिवन है, एडी इज इक्वल टू एई, ये आया कहां से, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, गिवन है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप एंगल की बात करें तो एंगल एडीबी, देखिए एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एईसी, एंगल एईसी ये दोनों इक्वल है। ये कहां आपने प्रूफ करके दिखाया, देखिए एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एईसी, इसको जो है फर्स्ट लिख लीजिए ताकि रीजन देने में आसानी रहे, आप लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ये हो गया एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी, ये हो गया। और क्या था, और ये भी मैंने बी डी इक्वल टू यहाँ पे दिया गया था, बी डी इक्वल टू ई सी, बी डी इक्वल टू ई सी है ना, बी डी इक्वल टू ई सी या सी, सी लिखना चाहे सी भी लिख सकते, बात एक ही है, ठीक है, चाहे ई सी लिखे चाहे सी, बी डी इक्वल टू ई सी, ई सी लिख दें या सी लिख दें दोनों ठीक है, ठीक है। बीडी इक्वल टू हो गया सी, अब इसी लिखा है, यहाँ पे देखिए इसी दिया गया था ना, इसी को अगर हम सी लिख दें, इसी इसी साइड को हम सी साइड लिख दें तब भी सही है वो, तो बीडी इक्वल टू सी लिख दिया गया, चलिए चाहे तो बीडी इक्वल टू इसी लिख दें दोनों सही है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए तीन सिमिलरिटी मिल गई, वन टू थ्री, तीन सिमिलरिटी मिल गई, यानी क्या हुआ दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल कौन सा है, ए डी ए बी डी है ना, ए बी डी लिया था ना, देखिए ए बी डी यानी होगा ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई है ना, ए बी डी और ए सी ई दोनों कॉन्वेंट हो गया। क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ये भी देखना पड़ेगा, चलिए देखिए बाई कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, पहले ट्राइंगल ए बी डी हमने लिया, इसी भी देख लेते हैं, साइड कौन कौन सी ली हमने, ए बी डी में कौन सी साइड ली है, ए डी ली है और बी डी ली है, ए डी कहाँ है, ए डी ये वाली और बी डी कौन सी ये वाली, ये साइड ली हमने, ये साइड लिया, एंगल कौन सा लिया, एंगल हमने कौन सा लिया है, एंगल हमने लिया था, एक मिनट यहाँ देखिए हमने कौन कौन साइड ली, एडी ली बीडी ली, एडी ली और बीडी ली, एडी ये है देखिए, एडी ये साइड ली और बीडी ये साइड ली, देखिए ये साइड ली और ये साइड नहीं ली, ये वाली देखिए एडी ली है, यहाँ देखिए एबीडी में एडी साइड ली और बीडी साइड ली, एडी कहाँ है, एडी ये है और बीडी कहाँ है, ये एडी बीडी साइड ये ली और ये लिया, एंगल कौन सा लिया, ये वाला एंगल ए डी बी, ये एंगल। तो यहाँ पे देखिए टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ऐसे ही अब लेंगे आप अगर ए सी में, ए सी में देखिए साइड कौन सी ली, ए ली और सी ली, ये साइड ली, एंगल कौन सा लिया, ये इंक्लूडेड एंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी में टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ये इक्वल है ट्राइंगल ए सी ई की टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, यानी क्राइटेरिया कौन सा लगा, साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, एस ए एस क्राइटेरिया लगा, तो आप लिख देंगे ठीक है साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए। और जब आपने दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखा दिया, ये वाला ए बी डी और ए सी ई दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए, तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल होंगे ना सीपी सीटी से, तो लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाई यहां लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, कैसे सीपी सीटी से, बाई सी पी सी टी, ये हो गया प्रूफ ठीक है, यही प्रूफ करना था, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो सीपी सीटी से ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया ठीक है, करिए।